the throne of God. Hallelujah. जब हम परमेश्वर की सेवा करने हो तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देता है स्वर्ग से। बाइबल में लिखा है कि कुर्नेलियुस के लिए, कुर्नेलियुस के लिए मेरे प्रियो, जो प्रभु को नहीं जानता था, जो कभी चर्च नहीं गया, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उसे आकर रिवॉर्ड देते हैं और कहते हैं तेरा दान स्वर्ग में भी पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स, बाइबल में बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हुए, और वो बड़े बड़े दास के नाम हम जानते हैं, परंतु कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं बाइबल में जो हमारे हृदय को छू जाते हैं। आमेन। The characters really touches our heart. Yes. उत्तरारे उधर नाम हमरा कोन एकटा पुस्तके पाइता। But still, their characters, उनका चरित्र है, वो हमें छू जाता है। Yes.
और मैं ऐसे ही आज एक ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूं जिसने सिर्फ इंसान को प्रभाव नहीं दिया, स्वर्गदूत को भी प्रभाव दिया। और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह नहीं था। आमीन। He was not a Jewish। वो यहूदी नहीं था। वो कह सकते हैं नॉन बिलीवर था, अन्य जाति था। परंतु उसने ऐसा छाप छोड़ा कि कई प्रेरितों को उसने आश्चर्यचकित कर दिया। आमीन। और यह घटना कैसरिया में होती है। आमीन। द प्लेस नेम सिसेरिया वेयर दिस इंसिडेंट टू प्लेस। एंड दैट पर्सन, वो व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। गवर्नमेंट में, सरकारी जगह में वो बहुत प्रभाव रखता था। उसका बहुत दबदबा था। He was a powerful man, but at the same time, उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा आप देख सकते हैं। Amen। उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, वो चर्च नहीं जाता था, परंतु फिर भी हम उसके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। Amen। और उसके बाद कैसे स्वर्गदूत उसके बारे में गवाही देते हैं और कैसे जो प्रेरित थे वे घुटने में आ गए और वे बोलने लगे, सच में परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। God never takes anyone's side। परमेश्वर किसी का साइड नहीं लेता। Amen। Hallelujah। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के पुस्तक चैप्टर 10 वर्स 1। Now there was a man at Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian cohort। इस व्यक्ति का नाम कॉर्नेलियस था। Amen। Cornelius, he was non-Jewish person। वो यहूदी भी नहीं था, वो परमेश्वर को सही तरह से जानता भी नहीं था। आमीन। परंतु आज हम एक ऐसे व्यक्ति से सीखेंगे जो बैप्टिज्म से पहले उसका जीवन कैसा था और क्यों परमेश्वर उसको इतने करीब लेकर आया। आमीन। हालेलुया। हमें याद पड़ता है कि एक सेंचुरियन जो था, एक ऐसा सूबेदार था जो यीशु को आश्चर्यचकित कर दिया था। Yes। है ना? यीशु क्या कहता है, मैंने पूरे इज़राइल में इसकी तरह विश्वास नहीं देखा। आमीन। जानते हैं यीशु ने कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा। परंतु आज प्रेरितों के काम में, प्रेरितों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वन मोर सेंचुरियन केम आउट फ्रॉम दैट फैमिली। रोमन्स सैनिक से या उनके परिवार से एक ऐसा सेंचुरियन हमें वापस मिलता है। आमीन। एंड हिज नेम वाज कॉर्नेलियस। आमीन। कॉर्नेलियस जो बहुत ही अच्छा और सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। आज हम सब अच्छा बनना चाहते हैं। हम कब बनना चाहते हैं? हम कहते हैं हमें जब प्रभु थे इसी तरह हमें हमारा जीवन चेंज हुए थे। आमीन। बट दिस फेलो, ही डिड रिसीव क्राइस्ट फर्स्ट। आमीन। ही डिड एक्सेप्ट क्राइस्ट, ही डिड टू बैप्टिज्म फर्स्ट। इसने बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु उससे पहले ही उसका जीवन स्वर्ग को प्रभाव कर दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग वी कैन सी in his life, Cornelius was devout। Cornelius बहुत धर्मी व्यक्ति था।
Amen. কেউ আমার জন্য পড়বেন বুক অফ অ্যাক্টস চ্যাপ্টার 10 ভার্স 28 10 এর 28 কি বলছে লেখা আছে जो पत्रस और कुर्नेलियुस बात में हम देखेंगे कि वहां पर यह प्रकाशित होता है कि उनसे कहा तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है आमीन परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं ये पत्रस कहता है किसके बारे में कुर्नेलियुस के बारे में आमीन ये वही कुर्नेलियुस है जो परमेश्वर के घर में कभी नहीं बैठा आमीन कभी भी सिनागॉग में नहीं आया सिनागॉग मतलब जहां पर लोग इकट्ठा होते थे द प्लेस सिनागॉग वेयर टेक टेक पीपल वर गैदर्ड पर अभी सिनागॉग बड़ा हो गया है हमारा आमीन हम अभी जहां बैठे ये भी सिनागॉग है आमीन जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए आमीन और कुर्नेलियुस कभी भी उस जगह में नहीं बैठा परंतु फिर भी प्रभु का चेला जो नंबर वन में था पत्रस कहता है कि मैं अब इसे अपवित्र नहीं कहता हूं क्योंकि कुर्नेलियुस बहुत ही धर्मी व्यक्ति है आमीन हालेलुया ये बहुत धर्मी और अच्छा व्यक्ति है आमीन हालेलुया पहले पत्रस का सोच अलग था पहले पत्रस बहुत सारे चीजों को अशुद्ध बोला करता था परंतु जब पत्रस ने वो दर्शन पाया है ना तो पत्रस को पत्रस ने कहा नहीं नहीं प्रभु ये अपवित्र चीज है तो परमेश्वर ने कहा जिसे मैंने बनाया है तू कैसे उसे अपवित्र कह सकता है आमीन इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास हो वो कोई भी व्यक्ति चाहे वो जैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो वो अपवित्र नहीं हो सकता आमीन अगर परमेश्वर ने किसी को पवित्र बनाया है हम किसी को अपवित्र नहीं ठहरा सकते हैं आमीन और कुर्नेलियुस ही वाज सो डिवोट मैन वो बहुत ही धर्मी और पवित्र व्यक्ति था बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में क्या लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 का 16 में क्या लिखा है एंड विदाउट फेथ इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम फॉर ही हु कम्स टू गॉड मस्ट बिलीव दैट ही इज एंड दैट ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु सीक हिम आमीन जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उसे आशीष देता है परंतु विश्वास के बिना अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं आमीन बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं ये पाना वो पाना ये लेना वो लेना ये प्रार्थना सुनना ये सब कुछ ठीक है परंतु उसमें विश्वास की कमी होती है हमरा बोली प्रभु आमाके ए चाही ओ चाही बहुत ऐसी चीजों को हमें जरूरत है परंतु कहीं ना कहीं हमारा विश्वास नहीं होता है उसमें इवन बहुत सारे विश्वासियों का विश्वास नहीं होता है आमीन बहुत सारे बिलीवर्स जो लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं हम उनके जीवन में विश्वास नहीं पाते हैं जब कठिन परिस्थिति आसे हमरा भय पाए आमीन যখন কঠিন পরিস্থিতি আসে আমরা ভুলে যাই প্রার্থনা করতে আমেন যখন কঠিন সময় আতা হয় হাম ভুল জাতে হ্যায় প্রার্থনা করনে হাম বলতে হ্যায় কি ও এবার কি হবে কিন্তু হাম ভুল জাতে হ্যায় কি হাম এক বিশ্বাসী হ্যায় আমেন হামারে জীবন মে আগর সবসে পহলা ওয়ার্ড আগর কুছ নিকলনা চাহিয়ে কি হাম এক বিশ্বাসী হ্যায় আমেন আমেন ক্যোঁকি বিনা বিশ্বাস কে আপ পরমেশ্বর কো খুশ নহীঁ কর সকতে पहला स्टेप यही है आमीन एंड कुर्नेलियुस ही वाज अ गुड बिलीवर आमीन कुर्नेलियुस जो प्रभु को बहुत विश्वास करता था परंतु साइलेंटली आमीन कोई नहीं जानता था उसके बारे में आमीन कोई नहीं जानता था कि कुर्नेलियुस के दिल में क्या चल रहा है आमीन हालेलुया और अगर आज आपके मन में विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता
आमेन। आमेन। सबसे पहला स्टेप और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना आमेन। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कितने लोग आज परमेश्वर के पास आए, कितने लोग आज परमेश्वर के पास आए? आमेन। हमने क्या लाया है, हमने क्या लाया है, हमने क्या लाया है, हमने क्या लाया है? हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास नीचे तार मैंने ईश्वर खुशी आज हमने अगर विश्वास लाया है तो परमेश्वर आज हमसे खुश है, हमारे परिवार से खुश है, हमारे जीवन से खुश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास से आते हैं परमेश्वर उससे खुश है, और वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आमेन। तो जो सीखी जो उसको खोजते हैं, आमेन, एंड कुंडलियस ही वाज सीकिंग गॉड, आमेन, कुंडलियस परमेश्वर को खोज रहा था। कैसे खोज रहा था? अपने मैं खोज रहा था परमेश्वर को कि कैसे मिलेगा, कैसे प्रभु मिलेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जरा एखनो ईश्वर के खुश से। आमेन। ये लोग अनेक लोग अच्छे जरा चर्च खुद से कुछ है चर्च अभी जानी ना इकने नो तुम रास्ते चर्च चर्च। आमेन। हो सकता है ऐसे भी कुछ फैमिलीज है जो आपके बिल्डिंग में एक साथ रहते हैं। आमेन। हो सकता है आपनर पासे वाली तेरे को अनेक लोग जे जरा खुश छे कि भावे हमरा जाबो। आमेन। कुंडलियस आल्सो वाज दैट काइंड ऑफ मैन। आमेन। ही वाज सीकिंग गॉड। आमेन। हो सकता है वो मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 नहीं जानता हो कि पहले उसके राज्य धर्म की खोज कर तो ये सारी वस्तुएं, परंतु बाइबल में क्या लिखा उसके पास तो सारी वस्तुएं थी परंतु पहला चीज नहीं था। Amen. He had a power, money, everything he had. सब कुछ था उसके पास। Amen. पर वो ये चीज नहीं था उसके पास। Amen. So he was seeking God. Amen. Cornelius परमेश्वर को खोज रहा था मेरे प्रियो। Hallelujah. याकूब की पुस्तक उसका 4:8 में क्या लिखा है? Book of James chapter 4:8. बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। किसके निकट आओ? परमेश्वर के निकट आओ। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? What God will do? परमेश्वर क्या करेगा? वो भी तुम्हारे Amen. Bible में कहा draw near to God and He will draw near to you. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के निकट आओ। अब कुंडलियस परमेश्वर के निकट आ रहा था। आमेन। वो परमेश्वर के निकट आ रहा था। ईश्वर काछे जदि हमरा आसी ईश्वर अपनर काछे आसबे। आमेन। आमेन। हालेलुया। जदि केउ बोलचे ईश्वर तो हमार जीवने किछुई करछे ना आपनी आसु। Amen. Amen. You come near to God, God will come near to you. Amen. आपने ईश्वर का से आशुन, ईश्वर ठीक आश्वे, ईश्वर जाने ईश्वर की करते होए, आपने आगे जानो ना अपना की करते होए। Amen. Cornelius परमेश्वर के करीब आ रहा था। Hallelujah. आज हम कितने ऐसे विश्वासी हैं, believers हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, इसके बावजूद भी हम प्रभु के करीब नहीं आते। Amen. हमने बपतिस्मा लिया, we have taken water baptism. Amen. हमने क्या लिया? बपतिस्मा लिया और अब 2 महीने बाद चर्च में आए। Amen. 3 महीने बाद चर्च में आते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ क्रिसमस में आते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रभु भोज लेने आते हैं, कुछ लोग गुड फ्राइडे में आते हैं क्या करने? छाती पीटने, यीशु मर गया मेरे लिए। गुड फ्राइडे में आते हैं यीशु मसीह मेरे लिए, पर ईस्टर संडे में जय जयकार करने नहीं आते। मर तो क्या, जिंदा भी तो हुआ था। ईस्टर संडे में नहीं आए,
पर गुड फ्राइडे में आए थे वो, यीशु के मरने में आते हैं और पैदा होने में आते हैं। जब यीशु मसीह पैदा होता है तो सब आते हैं, यीशु पैदा हुआ। कलवरी के पास खड़ा हो, गुड फ्राइडे में आके गाना गाता है, ओ खून की धार देखता जा। क्या होता है, कलवरी के पास खड़ा हो जाता है गुड फ्राइडे में और खून की धार को देखता है, तेरे पापों का यही दाम। हाँ प्रभु, हमें बीड़ी खींची, मीठे कदम चुरी होना दिया है मसीह यीशु ने, प्रभु तूने दे दिया। और चर्च अनाउंस कर रहा है पुनरुत्थान का दिन, ईस्टर संडे है, उस समय सब आ गए हैं। अरे गाओ गाओ जय की गाओ, ताली बजाने वाला लोग नहीं है, यीशु राजा जिंदा हुआ है। हर घर में सो रहा है, यहाँ यीशु राजा जिंदा, और वहां घर में इफ यू कम नियर टू गॉड, गॉड विल कम नियर टू यू। अगर आप परमेश्वर के निकट आओगे तो वो तुम्हारे निकट आएगा मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। हे पापियो, क्या लिखा है, हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो। आमेन, क्या करो, अपने हाथ, अपने हाथ ठीक करो, शुद्ध करो, अपने हाथ गलत कामों में मत डालो। आमेन, हालेलुया। और सबसे अच्छा मुझे लगता है ये, क्या लिखा है, डबल माइंडेड पीपल। आमेन, हालेलुया। हे दुचित्त लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन, तो विचार वाले व्यक्ति एक ही समय नहीं हो सकते। आमेन, गॉड हेट्स डबल माइंडेड पीपल। बाइबल में साफ साफ लिखा है, सब एक दिन मैं जरूर प्रचार करूंगा उसके विषय में, गॉड हेट्स डबल माइंडेड पीपल। यहां हम बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परंतु कान यहां है, ध्यान कहीं और है। आमेन, हम यहां पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आंख इधर है परंतु देख कहीं और रहे हैं। आमेन, किसी के आंख में तो हर संडे बटकरा लग जाता है, बटकरा जो वजन करते हैं, कोशिश करता है आंख को खुला रखने का, परंतु पता नहीं कौन ऐसे रख देता है, अपने आप बंद हो जाता है अपने आप। परंतु यही व्यक्ति 3 घंटा 4 घंटा मोबाइल चलाता है, आंख नहीं बंद होता है, आंख खुला रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन सुन दे, अभी सब कोई उठ गया है, मैं अभी किसी को बोल रहा था, मैंने देख लिया था, बहुत कोशिश कर रहा था, आंख लाल हो गया है। आंख मत देखो किसी का, आपको नहीं बोला, आपके बदला ले। लिखा है दो चित्ते लोगों को परमेश्वर घृणा करता है, और कुंडलियों से एक ऐसा व्यक्ति था तो ही वॉज नॉट जूइश। आमेन, वो यहूदी नहीं था मेरे प्रियो, परंतु उसका दिमाग सिर्फ एक ही जगह था और वो था यहोवे के ऊपर। आमेन, उसका दिमाग सिर्फ यीशु के ऊपर लगा हुआ था, क्योंकि कुंडलियस ने सुना था यीशु के बारे में। आमेन, कुंडलियस ने एक्सपीरियंस किया था उसके बारे में, उनके वचनों को सुना था उसने। आमेन, कुंडलियस सुनता था पत्रस क्या प्रचार कर रहा है। आमेन, कुंडलियस सुनता था कि उस समय के जो प्रेरित होते थे क्या प्रचार कर रहे हैं। आमेन, आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप यहां बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परंतु फिर भी आप परमेश्वर के करीब नहीं है। आमेन, फिर भी आपके दिल में दो चीज चलती है,
Amen. Amen. एक परमेश्वर चलता है, एक कोई और चलता होगा। Amen. Amen. रविवार को यीशु और सोमवार से शनिवार कोई और यीशु। Amen. God hates double-minded people. Amen. जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर चाहता है they should be devout people. Amen. परमेश्वर के पास जो आते हैं, परमेश्वर चाहता है वे धर्मी व्यक्ति हो, उसका सोच सही हो। Amen. যদি আজকে আমরা প্রভুর কাছে আসি, ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে। Because book of Jeremiah chapter 29 verse 12 and 13 কি বলছে? Jeremiah 29:12-13 কি বলছে? বাইবেল লেখা আছে পরমেশ্বর ডাবল মাইন্ডেড লোকো কো পছন্দ নহীং করতা হ্যায়। হ্যায় না? কিসিনে আপনে বেটে কা নাম রাখা টুটা। ক্যা রাখা? টুটা। আর बड़े बेटे का नाम टूटा। क्या नाम? टूटा। टूटा टूटा। और छोटे बेटे का नाम रखा बासी। क्या रखा? बासी। बड़े बेटे का नाम टूटा। टूटा। और छोटे बेटे का नाम बासी। बासी। समझ गए क्या नाम है? बड़ा बेटे का नाम टूटा और छोटे बेटे का नाम बासी। उसके घर में कोई भी जाता है बोलता है ए टूटा चेयर ले आ, तो टूटा चेयर में बैठेगा? नहीं नहीं खड़े ठीक है। अच्छा कुछ खाइए, ए बासी मिठाई ले आ, तो मैं बासी मिठाई खा रहा हूं। क्या बोलता है? टूटा चेयर। ए टूटा चेयर ले आ, वहां का चेयर যদি পড়ে যায়, না না আমি এমনি ঠিক আছি। বহুত আচ্ছা মিঠাই মানে লাগা আপকে লিয়ে ফেমাস হ্যাঁ বাসি মিঠাই লে বাসি মিঠাই খিলায়েগা শরীর খারাপ করবো নাকি? তো কুছ লোক ডাবল মাইন্ডেড হতে হ্যায়। কভি কভি নাম ভি এসে রখনা চাহিয়ে সোচ কে, है ना? अच्छा अच्छा नाम की जगह भी कभी कभी ये सब नाम काम कर जाता है, आपको खर्चा से बचाएगा ये सब। परमेश्वर को डबल माइंडेड लोग पसंद नहीं है। आमीन। जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ दे सकते हैं, प्रभु उनको पसंद करता है। आमीन। And Cornelius, he was that kind of person. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah 29 verse 12 or 13 आपने पढ़ा, यहाँ लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, Amen. Amen. और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि तुम धर्मी हो। Amen. Amen. जो धर्मी है, जो डिवाउट है, जो अच्छे लोग है, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और क्या हो जाओगे? पा भी जाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप क्या ढूंढ रहे हो, परंतु अगर आप कुर्नेलियुस की तरह परमेश्वर को खोज रहे हो तो आप सब कुछ पा सकते हो। हालेलुया। कुर्नेलियुस वाज सीकिंग गॉड, वो परमेश्वर को खोज रहा था, क्योंकि तू अपने संपूर्ण मन से मेरे पास, संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। अपने पूरे हृदय को मेरे पास लेकर आओ। आमीन। तब देखना मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। हालेलुया। हमारा ईश्वर के पे का जी अपना सब कुछ पे का जी। हालेलुया। हालेलुया। सीक द गॉड। Hallelujah. परमेश्वर को खोजे मेरे प्रियो। Hallelujah. The second thing Cornelius is teaching us. दूसरा चीज जो Cornelius हमें सिखाता है, Cornelius fear God. Cornelius परमेश्वर से डरता था मेरे प्रियो। Amen. Hallelujah. Cornelius किससे डरता था? परमेश्वर से डरता था। उसका 10:2 में लिखा है वो भक्त था। वो कौन था? भक्त था। और अपने
अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। A devout man and one who feared God with all his household. Amen. सिर्फ कुंडलियों से नहीं परंतु उसका पूरा घर किससे डरता था? Amen. आज हम अपने घर के बारे में कैसे गारंटी ले सकते हैं? क्या आज हम अपने परिवार के बारे में गारंटी ले सकते हैं? मैं तो नहीं जानता मेरी पत्नी के बारे में उसके जीवन में परमेश्वर का भय है कि नहीं। मैं तो नहीं जानता मेरे पति के बारे में कि उसके जीवन में परमेश्वर का भय है कि नहीं। आमीन। हालेलुया। परंतु बाइबल में लिखा है कुर्नेलियुस और उसका पूरा घराना परमेश्वर से डरता था। आमीन। हालेलुया। कुर्नेलियुस फियर गॉड। आमीन। कुर्नेलियुस परमेश्वर से डरता था। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य उसका 15:4 में क्या लिखा है? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 15:4 प्रकाशित वाक्य उसका 15:4 में क्या लिखा है? प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा? आमीन। जो प्रभु को प्यार नहीं करता है वो प्रभु से नहीं डरता है। आमीन। एक पति एक पत्नी एक दूसरे को एक चीज एक मैसेज देते हैं दुनिया को, और वो मैसेज क्या है? एक दूसरे के प्रति फेथफुलनेस। आमीन। जब एक हस्बैंड एंड वाइफ को हम खड़ा करते हैं कहीं पर तो हम दुनिया को एक ही मैसेज देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति फेथफुल हैं। आमीन। और उनको देखकर ऐसा लगता है क्योंकि जीवन में परमेश्वर का भय है। आमीन। वे परमेश्वर से डरते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में परमेश्वर का डर हट जाता है। ये कब हटता है? जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम चर्च आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर का डर हमारे अंदर से चला जाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। आमीन। हालेलुया। तुम में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बहुत सुंदर वचन है, हे प्रभु कौन कौन तुझसे डरेगा। आमीन। अपने हाथों को उठा के ये वचन कहे, हे प्रभु तुझसे कौन ना डरेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये आपने अपने लिए कहा। आमीन। ये आपने अपने लिए कहा। आमीन। हे प्रभु कौन तुझसे। आमीन। ये वचन हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना। आमीन। ये वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है, कहता है कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। एक दिन सब करेंगे, सोचने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि तेरा न्याय के काम प्रकट हो गए। आमीन।
आमेन। प्रभु जैसे प्यार करता है वैसे न्याय भी करेगा, याद रखना। आमेन। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जिन लोगों ने परमेश्वर के नाम से मजाक उड़ाया था, आज उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया। आमेन। किन लोगों की बात कर रहा हूं? जो लोग प्रभु में थे। आमेन। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रभु में नहीं है। जो प्रभु में नहीं है वे मजाक उड़ा रहे हैं, परमेश्वर एक दिन उनको लेकर आएगा। परंतु जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग प्रभु की सेवा कभी किए थे, परमेश्वर उनको कह रहा है। आमेन। कि परमेश्वर ने लिख दिया था नमे नमे तके, दानियल की पुस्तक में, कि प्रभु को हल्के में मत लेना। आमेन। वो प्यार करेगा परंतु वो न्याय भी करेगा। आमेन। We see in the Bible he is a just God। आमेन। उसे न्याय करना बहुत पसंद है, क्योंकि जब तक वो न्याय नहीं करेगा तब तक अपने लोगों को चुन नहीं सकता। आमेन। वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपने गलत किया है वो किसी भी तरह से आपको अच्छा साबित नहीं करेगा, और अगर आपने अच्छा किया है तो आपको किसी को गलत साबित करने को नहीं देगा। आमेन। हालेलुया। हमें याद रखना है जो मसीही है, जो प्रभु में है, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, हमें अपना जीवन सही तरह से जीना है। आमेन। हम पीछे घूम कर नहीं दे सकते हैं। बाइबल में लिखा है जो हल चलाता है वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता है। यीशु ने मना किया है। आमेन। अगर यीशु ने मना किया है तो मना किया है, इसके ऊपर हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। अगर कोई हमारे जीवन से चला गया है तो चला गया है, यीशु ने उसे दूर किया है। आमेन। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है तो चला गया है, उसको टान के बार बार मत लाओ। आमेन। उसे खींच कर मत लाओ, आप प्रभु के विरुद्ध में जा रहे हो। आमेन। सबके विरुद्ध में जाना, प्रभु के विरुद्ध में नहीं जाना। अगर कोई चीज आपके जीवन से चला गया, कोई नौकरी चला गया, उसके बारे में ज्यादा रो मत सोच सोच के, प्रभु ने चाहा था चला जाए। कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, उसे बार बार खींच के मत लाओ, वो अच्छा है प्रभु के पास। कोई आपको छोड़कर चला गया, इसका मतलब नहीं कि आप उसको बार बार खींच के लाओ। चला गया है, चले जाने दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, क्योंकि आप जिस राह पे चलकर आए थे आपको पता था कि कोथाय गोत्तो आचे, कोथाय की आचे, किंतु अब आगे आपको नहीं मालूम क्या है। आगे परमेश्वर ने अच्छा प्लानिंग किया आपके जीवन में, अच्छी योजना बनाई है परमेश्वर ने आपके जीवन में, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करेगा। आमेन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो ये सब कैपिटल में लिखा गया है। आमेन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ें, ये जो भी वाक्य है, अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल होगा तो आप देख सकते हैं कि ये सब ऑल द नेशन विल कम एंड वर्शिप बिफोर यू फॉर योर राइचियस एक्ट्स हैव बीन रिवील्ड। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जो धर्मी न्याय है वो रिवील्ड हो चुका है। हालेलुया। कॉर्नेलियस परमेश्वर से डरता था। Amen. Isaiah 59 verse 19 में क्या लिखा है? The book of Isaiah chapter 59 verse 19. The पश्चिम की ओर लोग यहोवा का नाम और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। Amen. Hallelujah. हर दिशा से लोग आएंगे, परंतु उनके जीवन में क्या पाया जाएगा? परमेश्वर का भय। Amen. Hallelujah. परमेश्वर का डर हमारे जीवन में उन्नति लाता है। परमेश्वर का डर हमारे जीवन में बंद रास्ते को खोलता है। Amen. परमेश्वर का भय हमें अच्छा मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का डर हमें चंगाई देता है। परमेश्वर का डर हमारे हृदय को फिर से नया करता है। परमेश्वर का भय हमारे मन को नया करता है। दाऊद कहता है कि हे प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने से मेरा मन नया हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करने से
हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करके तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा करेगा। परमेश्वर का डर अगर आपके जीवन में होगा तो आपका शत्रु अपने आप में कंफ्यूज होगा और उस आपके शत्रु के कैंप में आपका झंडा दिखेगा। परमेश्वर आपके झंडे को दिखाएगा अगर परमेश्वर का डर आपके जीवन में है। हालेलुया। ईश्वरेर भय अपना जीवन आचे में भी डॉक्टर हैज गिवन यू द मेडिकल रिपोर्ट। हालेलुया। डॉक्टर ने आपका मेडिकल रिपोर्ट दिया है और वो कहा है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आमेन। अब आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, परंतु अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, एक दिन उसी डायग्नोस्टिक में आप देखना एक ऐसा रिपोर्ट परमेश्वर खड़ा करेगा जहां पर आप जाके बोलोगे कि मैं परमेश्वर का डरपैया हूं, मैं परमेश्वर से डरने वाला हूं, मैं परमेश्वर का भय खाने वाला हूं, मेरे जीवन में अगर कुछ भी होगा तो परमेश्वर के मर्जी से होगा, किसी के मर्जी से नहीं होगा। हालेलुया। जिस लोगों ने आपका अपमान किया था परमेश्वर वही झंडा खड़ा करेगा आपका। आमेन। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे झंडे को खड़ा करेगा, दैट मींस ही विल गिव यू द विक्ट्री, वो आपको विजय देगा। हालेलुया। यू विल हैव द फियर ऑफ गॉड। जब आपके जीवन में परमेश्वर का डर होगा। अनकुरलियस अंडरस्टूड दिस। Amen. Cornelius को समझ में आ गया। He was educated man, but he was very, very devoted man. Amen. Cornelius के मन में परमेश्वर का डर है। परमेश्वर से डरिए। Amen. Problem से मत डरिए। Amen. रोग तीजे भय पावे ना। Amen. যদি আপনার রোগ হয়ে গেছে ভয় পাবেন না, ঈশ্বর ওই রিপোর্ট কে আবার ক্যান্সেল করবে। আমেন। ক্যান্সেল দ্য রিপোর্ট। হালেলুয়া। আই ডোন্ট নো হোয়াট ডক্টর ইজ সেইং, আই ডোন্ট নো হোয়াট পিপল আর সেইং। লোক আপকো বল রহা হ্যায় কি নৌকরি জানে বালি হ্যায়, আর ঠিক হ্যায়। আমেন। টেক ইট ভেরি ইজি। লোক বল রহা হ্যায় দেখো আপকি নৌকরি চলি জায়েগি, ওকে ঠিক হ্যায়। Amen. क्योंकि आपको ये वचन याद होना है, पश्चिम और यहोवा के नाम का और पूर्व की और उसकी महिमा का भय मानेंगे। क्यों? जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे। Amen. जब शत्रु आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे। Amen. जब शत्रु आपके ऊपर अटैक करेंगे, जब शत्रु अपना के अटैक करबे, मोने रखबे ईश्वर का एकटा फ्लैग आछे। Amen. अपने डॉक्टर को दिखाया, बोला नहीं दिखाया डॉक्टर को। मैं बोला क्यों नहीं दिखाया, बोला मैं वेट कर रही थी संडे का आपसे मिलने के लिए। मैं बोला अरे यार ये कैसा बात बोल रही है। मैं बोला डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, तीन दिन से आपका बच्चा हिल नहीं रहा है, ये तो अजीब सा बात है। आप प्रेयर कर दीजिए, आप प्रेयर कर दीजिए। इट वाज हैपनिंग प्रभुदी। और मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद वो घर गई।
घर जाकर उनको फोन कर रही है, मेरा बच्चा हिल रहा है, मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं नहीं जानता तीन दिन क्यों नहीं हिला, शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद उस औरत में ही प्रॉब्लम हो गया हो, कि शायद उसका जीवन में वो परमेश्वर का डर हट गया था, ओ प्रभु ने मेरा बच्चा दे दिया, अब तो बस हम लॉटरी का टिकट पा गए हैं, आमेन। प्रभु झटका देता है वापस, क्या देता है, आपके ब्लेसिंग्स में ही वो झटका देगा, ताकि आपको समझ में आए कि परमेश्वर की आशीष इतना आसान नहीं है, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर अपने झंडा आपके दुश्मन के कैंप में गाड़ेगा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। God will really bless your life, my dear friends. अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, आमेन। Book of Ecclesiastes, सब उपदेशक की पुस्तक, उपदेशक chapter 7 verse 18 में क्या लिखा है? Chapter 7 verse 18, Ecclesiastes, सब उपदेशक की पुस्तक 7 verse 18, कि तुम इस बात को पकड़े रहे, क्या क्या है, क्या करो, और पकड़ना अच्छा है, और उस बात पर से भी हाथ ना उठाओ, आमेन, आमेन। ये बात क्या है, अच्छा है कि तुम पकड़े रहो और हाथ ना उठाओ, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो इन सब कठिनाइयों से, वो इन सब कठिनाइयों से क्या हो जाएगा, जो परमेश्वर का भय मानता है, आमेन, आमेन, हालेलुया। अगर आप कठिनाइयों से भय खाते हैं तो आप कभी पार नहीं कर पाएंगे, परंतु अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप कठिनाइयों का पार कर सकते हैं, आमेन, हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, हर कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, परंतु अगर आप कठिन परिस्थितियों से डरते हैं तो आप कभी भी पार नहीं कर पाएंगे, आमेन, हालेलुया। Cornelius understood this formula, आमेन। Cornelius परमेश्वर से डरता था, सिर्फ वो नहीं उसका पूरा परिवार मेरे प्रियो, आमेन, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब परमेश्वर से डरते थे, हालेलुया, हालेलुया। आज क्या परमेश्वर का डर आपके जीवन में है, क्या परमेश्वर का डर आपके परिवार में है, क्या परमेश्वर का डर आपके बच्चों के जीवन में है, क्या परमेश्वर से आपका परिवार डरता है? अगर परमेश्वर से आपके जीवन में कुछ भी ऐसा चला गया है तो वापस लाइए उसे, वापस लाइए परमेश्वर की हर एक चीजों को, वापस लाइए अपने जीवन में, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये अच्छा है, क्या है, अच्छा है कि इस बात को पकड़े रहो, क्या करो, ये बात पकड़ लो और उस बात पर से हाथ भी मत उठाना, आमेन, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाथ मत उठाना, आमेन। अगर पकड़े हो तो पकड़े रहना। अब वो क्या है, वो क्या है, क्या है, परमेश्वर का भय, आमेन। ये आपके जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए, आमेन, ये कभी नहीं हटना चाहिए, परमेश्वर का डर आपके जीवन से कभी हटना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर का डर आपके जीवन में है तो कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं सकती, आमेन। कोई भी बीमारी आपको डरा नहीं सकती, कोई भी महामारी आपको डरा नहीं सकती, कोई भी उलझन समस्याएं आपको डरा नहीं सकती, आमेन। कोविड के समय लोग हाथ नहीं मिला रहे थे, कोविड के समय लोग सामने से बात नहीं कर रहे थे, परंतु कोविड के समय मैंने इन ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना किया बिना मास्क का, जिनको कोरोना था, मैंने अपनी पत्नी को नहीं बताया, नहीं तो मेरी पत्नी सोची क्या, घर में छोटा बच्चा है, मैं। जब मैं ऐसे लोगों को जब देख रहा था तो मेरे अंदर इतना दुख लग रहा था कि क्या बोलूं, बहुत तकलीफ लग रहा था, मैं प्रार्थना करता हूं, परंतु जिनके लिए प्रार्थना कर रहा था वो लोग खुद बोले थे पास्टर जी आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत करो, मैं बोला ठीक है,
कि मेरे अंदर परमेश्वर का डर है, मेरे अंदर परमेश्वर का भय है, मुझे कोई भी महामारी कोई भी विपत्ति आपको डरा नहीं सकती मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का डर अगर आपके जीवन में है उसके आगे कोई भी डर टिक नहीं सकता। Cornelius was generous toward God with his money. Cornelius बहुत ही दानी व्यक्ति था, जो परमेश्वर की सेवा के लिए हर एक कार्य को करता था। Amen. वो चर्च नहीं गया कभी, सिनेगॉग में कभी नहीं बैठा, परंतु उसे पता था, बाइबल में लिखा है कि दान क्या करती है, बहुत सारे मार्ग को खोल देती है। आमीन। कुर्नेलियस खोज रहा था कि कैसे भी मेरे लिए एक रास्ता खुले ताकि मैं यीशु तक पहुंचूं। आमीन। हालेलुया। देखिए कितना डेस्परेट था ये प्रभु को पाने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो आज प्रभु हमारे आसपास है परंतु हम उतना सीरियस नहीं है। आमीन। हम उतना सीरियस नहीं है, हमें कोई दो शब्द बोलते कहना बोले क्षमा के ना, तुम्हें बोलबे कहने रो ना, तुम्हें रो कहने बोलबे। अभी हमने प्रचार सुना, नीचे उतरते उतरते चप्पल के लिए झगड़ा कर रहे हैं। बाइक अगर ठीक से सटा के रख दिया उसके बाइक में, देख तेरे को ब्रेक चलेगा चल, बुद्धि नहीं अभी की कोरे बेरो हो, शायद दो जन को बोलता होगा एक तो टेने दे तो आओ, वो जब दो आदमी उस दूसरे बाइक को ऐसे करा एकदम बुद्धि नहीं चाचे इससे किंतु किछु जाने ना, स्टार्ट भी करा भाई तुम्हारा तो मिल गया बाइक जाओ ना घर जाओ, क्यों अपने मुंह से बुरा बात बोल रहे हो? देखो आप वहां रहते हो, मुझे नहीं मालूम वहां क्या होता है, परंतु परमेश्वर मुझे ठीक बोलता है, कोई मुझे नहीं बोलता है। आपको मालूम होना चाहिए चर्च में कंप्लेन करना मना है, मुझे कंप्लेन पसंद नहीं, आज से नहीं शुरू से ही। मैं अपने घर में भी नहीं सुनता किसी का कंप्लेन, प्रॉब्लम सुनता हूँ, प्रॉब्लम क्या बताओ सॉल्व करेंगे। मैं आई हेट कंप्लेंट्स बट आई लव कंप्लेन। ओके, कुछ लोग बहुत गहरे सोच में पड़ गए थे, ये बाबा हमारे पेपर की कोरे जानो से मैं आपको वापस ले आया हूँ, आपका नाम नहीं जानता। Amen. Good. Cornelius was a generous toward God with his money. Cornelius बहुत उदार व्यक्ति था। Amen. वो बहुत ही उदार व्यक्ति था। Book of Acts उसका 10 का 2 मैं पढ़ता हूँ, आप उसको देखें। ये भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोग को बहुत दान देता था। Amen. Hallelujah. Bible में लिखा है and gave many alms to Jewish people. Amen. What is that alms? Alms means होता है पैसा, कपड़ा, खाना, सब कुछ। Amen. Hallelujah. शायद हमारे हिंदी में ये वर्ड नहीं था, इंग्लिश में अगर आप पढ़े वहां alms लिखा है, मतलब वो ये सब कुछ देता था। Amen. Hallelujah. He was a generous man. Amen. वो परमेश्वर की सेवा के लिए ये सब किया करता था। पहला यूहन्ना उसका 4:20 में क्या लिखा है? First John chapter 4 verse 20. अगर कोई कहता है कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ, Amen. If someone says I love God, Amen. हम ईश्वर का अनेक भालोवासी, क्योंकि हम हमारे काका के देखते पाए। काका क्या कह रहे थे? काका हमारे छोटे बट्टे के नीचे अभी भी छोटे घर में ढुका हुआ है। परमेश्वर बोला मैं तुम्हें अपने संग बैठाऊंगा, अपने संग रखूंगा, वो घर नहीं पसंद है और वो छोटे घर पसंद है।
हालेलुया। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर से प्यार करते हैं और हम लोगों को घृणा करते हैं तो हम में मसीह का प्रेम नहीं है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कुर्नेलियुस वाज अ जनरस मैन, वो सिर्फ अपने लोगों को प्यार नहीं कर रहा था, वो यहूदियों को प्यार कर रहा था जो उनकी जाति ही नहीं थी, जो उनका कुछ भी नहीं था। आमीन। बाइबल में लिखा ही इज टू गिव सो मेनी थिंग्स टू द ज्यूइश पीपल। आमीन। ताकि लोगों के अंदर सेवा का कार्य हो। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम, अरे परमेश्वर को मिठाई का क्या जरूरत है, परमेश्वर को टाइट का क्या जरूरत है, परमेश्वर को ये सारे चीजों का जरूरत है। कुर्नेलियुस को किसने सिखाया? बाइबल में लिखा है वो कभी मंडली नहीं गया था। आमीन। बट ही वाज प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। क्यों? ताकि वो एक दिन प्रभु के पास पहुंच सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो बहुत सुंदर बोल रहे। क्या लिखा है वो कौन है? वो कौन है? अगर आपके घर में अगर कोई ऐसे बोले हमारा चर्चे चाहे सब कुछ किंतु तुम्हें किंतु कौन होती और साथ कथा बोल बेना, बच्चे लोग अपने मम्मी को बोला तुम लोग झूठा है, मैं सिखा रहा हूं। मैं कहां से सिखा रहा हूं? बाइबल से। बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? वो झूठा है। आसु बाबू हमारा प्रार्थना करी, पूरा फैमिली प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते करते पति और पत्नी बात कर रहा है, तुम भी तुम्हारे भाई साथ जो भी कथा बोले छो तुम्हें देखने में की हमें कौन है ये लोग झूठा है। সবার সাথে কথা বৌদির সাথে কথা বলবে তাহলে তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব। দিস পিপল আর লায়ার, দে ডোন্ট লাভ গড। আমেন। আমেন। হালেলুয়া। 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 আর ডিফেন্স जब आप बाइबल में लिखा है यहूदी के दिमाग में एक ही विचार था कि जैसे भी ये रोमी साम्राज्य चला जाए। आपको पता होना चाहिए यहूदा स्मृति यीशु के पीछे इसीलिए गया था ताकि एक दिन यीशु यहूदियों का राजा बने। वो राजा होकर राजा के लिए नहीं गया था, उसने देखा इसका प्रभाव बहुत है, भीड़ इसके पीछे घूम रही है। यहूदा स्मृति बोलता है कि एक दिन तू मेरा राजा बनेगा, एक दिन तू इस पूरे यहूदियों का राजा बनेगा। परंतु वो कॉन्सेप्ट भूल गया कि वो सिर्फ एक जाति नहीं परंतु सबके लिए यीशु आया। आज हम भी जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं तो हमारे अंदर उदार है, उदार हृदय होना चाहिए। आमीन। हम सिर्फ अपना दान नहीं देते, हम अपना प्यार भी देते हैं। अपना प्यार सिर्फ अपने लोगों को नहीं दे सकते हैं, अपना प्यार हमें सबको देना है। आमीन। कुर्नेलियुस सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं कर रहा था, कुर्नेलियुस हर एक जाति के लिए कर रहा था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए मरता तो आज हम यीशु को नहीं पाते, परंतु बाइबल में लिखा ही डाइड फॉर एवरीवन। यीशु सबके लिए मारे गए, सबके लिए उसने अपना लहू बहाया। आमीन। अगर कोई कहे कि मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं परंतु अपने भाई से बैर रखे, अपने बहन से गुस्सा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य यह होता है कि मैं देखा हूं महिलाओं में यह है बात नहीं करते हैं दूसरे से जल्दी। अगर किसी महिला का किसी महिला से कुछ हो गया तो बात नहीं करते हैं, पर तो अभी फिलहाल पुरुषों के भी जीवन में आ गया है। ये पुरुष के जीवन में कभी नहीं था, अभी पुरुष लोग भी वही हो गया है, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। हमारे वाइफ को था बोले ना हम लोग अरे यार तू तो लड़की नहीं है, तू तो पुरुष है, पुरुष धार तो दिखा।
मरने से पहले अपने बेटे सोलोमन को क्या बोलता है? सबसे पहला वर्ड क्या बोलता है? तुझे पहले पुरुष बनना होगा, पुरुष था सबसे पहला वर्ड। आमीन। उसी वचन को पौलुस कोट करता है। पौलुस क्या बोलता है? सबसे पहले मैं पुरुष था। आमीन। हालेलुया। परंतु बहुत सारी महिलाएं अभी ठीक है, मैं आप महिला लोगों को नहीं बोला, आपके बगल वाली महिला को बोला, आप बहुत ठीक है, आप सबसे बात करते हैं, हम आप जैसे भाई बहुत अच्छे हैं, हम आपके बगल वाले भाई के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं, वे झूठे हैं। बोली ना आमीन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखता है, अपने भाई से बैर रखे तो वो कौन है? झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है, आमीन, जिस भाई को उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा, आमीन, जिसको हम रोज उठते बैठते देखते हैं, उससे प्यार नहीं कर पाए, तो हम प्रभु को क्या प्यार करेंगे? आमीन। हालेलुया। अरे अगर हम अपने घर में एक पंछी भी रखे तो उससे भी प्रेम हो जाता है हमें, आमीन, उससे भी हमारा एक लगाव हो जाता है, आमीन। हालेलुया। परंतु जिस व्यक्ति को आपने देखा उससे प्यार क्यों नहीं कर सकते? कॉर्नेलियस जब परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा था तो बाइबल में लिखा है कि कॉर्नेलियस वाज रिवॉर्डेड, कॉर्नेलियस को पुरस्कार मिला इससे, क्योंकि कॉर्नेलियस ने यूहन्ना की पुस्तक नहीं पढ़ी थी। ये आमीन, ये पुस्तक यूहन्ना के पास था उस समय, ये पब्लिश भी नहीं हुआ, परंतु कॉर्नेलियस को मालूम हो गया था कि परमेश्वर का प्यार अगर मेरे अंदर है, मैं अगर परमेश्वर से प्यार करता हूं तो मुझे अपने भाई को भी प्यार करना होगा, मुझे अपने दुश्मन को भी प्यार करना होगा, मुझे सबको प्यार करना होगा, मैं सिर्फ अपने लोगों को दान नहीं दे सकता, मैं परमेश्वर के लिए ग्लोबलाइज करना चाहता हूं, हालेलुया, मैं सबके लिए करना चाहता हूं। He was so generous, हालेलुया। उसको पुरस्कार कैसे मिलता है? उसका 10:4 में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 10:4 में क्या लिखा है? chapter 10:4 में लिखा है, और उसने उस ध्यान से देखा और डर कर कहा, आमीन, आई एम रीडिंग यू जस्ट फॉलो। उसने उसे ध्यान से देखा, किसमें देखा? कॉर्नेलियस में देखा, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? आमीन, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान क्या है? What is that? We read. 1, 2, 3. Everyone read together. 1, 2, 3. Go. Amen. Hallelujah. तेरी प्रार्थना तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cornelius ने सिर्फ यहूदियों को दिया था, परंतु यहूदियों को तो दिया था, परंतु वो पहुंच कहां गया? स्वर्ग में। Amen. Hallelujah. Hallelujah. जब आप हृदय से कुछ करते हो परमेश्वर के लिए, जब आप हृदय से परमेश्वर की सेवा करते हो, तो वो सिर्फ चर्च तक नहीं पहुंचता, परंतु वो स्वर्ग तक पहुंचता है।
पत्रस बड़ा कैरेक्टर कर्नेलियस है। आमेन। कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु मुझको भी ऐसा सिखा दे, मुझको भी ऐसा बना दे। उसके पास पैसा, अभी के युग में अगर किसी के पास पैसा है, पावर है, वो ये वो परमेश्वर को उतना नहीं खोजता है। उसके लिए लाइफ बहुत इजी है। अगर किसी के पास अभी 25,000 रुपया महीना है तो वो सोचता है 30,000 होने से अच्छा। किसी का अगर 30,000 है सोचता है 35,000 हो ले। पर किसी के पास 7,000 सैलरी है वो सोचता है 8,000। कोई अगर 50,000 भी कमाता है सोचता है कि 60,000 होने से मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। परंतु कुंडलियस का ध्यान इस सब में था नहीं। कुंडलियस के पास जो भी था वो किसको दे रहा था? ऐसे लोगों को दे रहा था जो प्रभु की सेवा कर रहे थे। उसे जानने की जरूरत नहीं थी क्या हो रहा है। किसके लिए आए? ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रभु के विरोध में था, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट यहूदी के विरोध में था, रोमन गवर्नमेंट यहवे के विरोध में था मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आकर यहूदियों के ऊपर राज किया मेरे प्रियो, और वे लोग आकर यहूदियों के ऊपर राज कर रहे थे, परंतु उसी में से एक बड़ा अधिकारी निकलता है जो सेंचुरियन था, जो 100 सैनिक का अधिकारी था। बहुत पावर था इसके पास, बहुत ताकत था इसके पास, बहुत पैसा था इसके पास, परंतु इस बीच में भी वो अपने आप को खोज कर निकालता है कि मैं परमेश्वर का एक घर भी नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे और कोई नहीं, मुझे यीशु चाहिए। जैसे भी चाहिए, चाहे मेरी प्रार्थना से, मेरे परमेश्वर के भय से, या मेरे दाम से, मुझे उसके पास पहुंचना है। और सर्दूत आकर कहता है, ओ कुर्नेलियुस, तेरा दान परमेश्वर के पास पहुंच गया। हम कितने बार परमेश्वर के लिए जो भी करते हैं वो भले हमारे कलीसिया में आ रहा है पर तो आपको पता नहीं वो स्वर्ग में भी जा रहा है। आमीन। हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट मैन ही वाज। वो एक अद्भुत और अद्भुत व्यक्ति था मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। उसका 31:10-31 में क्या लिखा है? 10:31 में लिखा है, और कहने लगा, आमेन, हे कुर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे दान परमेश्वर के सामने क्या किए गए? क्या किए गए? बंगला में क्या लिखा? And he said, Cornelius, yes. Your prayer has been heard, yes. And your arms have been remembered, yes. Before God. Yes, your Lord. Remembered. Yes, your Lord. What is that? Yes, your Lord. Remembered. Amen. Prabhu, bojh abhi hum lene wale hain, kya bolenge? Yes, your Lord. Yeshu ne kaha, jab tum ikattha ho, do this in remembrance. जब जब तुम इकट्ठा हो मेरे याद के लिए, मेरे याद के लिए, मतलब अगर हम किसी का याद करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, इसका मतलब स्वर्गदूतों के सामने, स्वर्गदूतों के सामने हम यीशु सिंहासन में बैठे हैं, और सारे दूतों के सामने वहां मूसा बैठा है, अब्राहम बैठा है। अब्राहम इसने सबसे पहला टाइम दिया, मलाकी के पुस्तक, मलाकी जो अद्भुत बात करता है। आमीन। जोशुआ वहां है,
और उन सबके सामने यीशु एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है स्वर्ग में। बाइबल कह रहा है ही रिमेंबर, इसका मतलब बातचीत किया गया स्वर्ग में तुम्हारे बारे में, स्वर्गदूत के सामने, लोगों के सामने कुर्नेलियुस तुम जो कर रहे हो उसके बारे में ऊपर तक चर्चा हो रही है, ऊपर तक बातचीत हो रहा है, और इसीलिए ऊपर का स्वर्ग रोक नहीं पाया, इसीलिए स्वर्गदूत को मेरे पास भेजा और कन्फर्म करने के लिए भेजा कि तेरा दान ऊपर याद किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We also have the opportunity, same opportunity which Cornelius had. आज हमारे पास भी वही मौका है जो Cornelius के जीवन में हुआ। क्या हमारा दान भी क्या परमेश्वर को रिमेंबर नहीं करना चाहिए? क्या हमारे जीवन को भी परमेश्वर को याद नहीं करना चाहिए? आमेन। ऐसा जीवन जियो ताकि स्वर्ग तक दस्तक हो, ऐसा जीवन जियो ताकि स्वर्ग भी खटखटाए। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर कहता है और कहने लगा हे कुर्नेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आमेन। और तेरा दान परमेश्वर के सामने Amen. Hallelujah. 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 अभी और भी दो पॉइंट बाकी है, पता नहीं कब खत्म करूं। I love this man. Good news. Amen. Hallelujah. I love this simple man. Amen. My fourth point. Cornelius prayed continually. Cornelius prayed. Continually, Cornelius लगातार प्रार्थना करता रहा। Amen. Hallelujah. बाइबल में लिखा है वो प्रार्थना करता था। Amen. Hallelujah. Cornelius क्या करता था? प्रार्थना करता था। Amen. अगर आपके पास बाइबल है, 1 Thessalonians 5:17 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे। 1 Thessalonians उसका 5:17 में क्या लिखा है? लगातार क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। आमेन। प्रे विदाउट सीजिंग। आमेन। प्रार्थना करते रहो। आमेन। इफ यू डोंट प्रे, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, सैटन विल प्री। आमेन। सैटन विल प्री विदाउट सीजिंग। इफ यू डोंट प्रे, Satan will pray without ceasing. Amen. अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो बाइबल में साफ साफ बताती है कि शैतान भी क्या करेगा? प्री का मतलब होता है वो शिकार करेगा। Amen. वो आपका शिकार करेगा। If you don't pray, वो आपको पकड़ेगा, वो आपको दबोच लेगा, वो आपको खत्म कर देगा, वो आपके विश्वास को खत्म कर देगा, वो आपके अंदर से परमेश्वर का डर हटा देगा। आमेन। मैंने 10 श्वास दिया था, पूरा नहीं दिया, कुछ तो नहीं हुआ हमको शरीर में, वो आस्ते आस्ते डर हटाएगा। मैं चर्च नहीं गया, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो आस्ते आस्ते डर हटाएगा। आमेन। मैं फास्टिंग नहीं करता, वो डर हटाएगा। मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं अभी, वो डर हटाएगा। और आस्ते 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 वो आपका जब शिकार करेगा तो आप नहीं बच पाएंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आई हैव वन स्मॉल क्लिप, सी दिस लाइक कि जो लायन है ये लोग शिकार कर रहे हैं। व्हाट दे डूइंग? शिकार कर रहे हैं। देखिए This is the presence of God. आप देखिए, ये बफलो जब उस पानी के अंदर आता है तो लायन इस पानी के अंदर नहीं आता है, वे लोग वेट कर रहे हैं। Buffalo has managed to get itself into this little water point where it's able to use that as a defense. We know that the lions don't particularly like water, and so you can see the lions all sitting around the buffalo now, hoping that the buffalo will try and break from the water. Now it's just a patience game. Basically, the lions are going to try and sit here for as long as possible to try and see if they can. Maybe let's stop that again. That noise.
considering the lions have got this buffalo very close to a water point, and the buffalo is using the water for safety. There we go. You see how it runs back in to try and keep the lions at bay. You can see the lions, they don't like the water. They're not trying to go in, they're trying to look for it. Now you can see the buffalo is wounded. Look at that. And the lions, that's where they would have built, kind of got on. Now the buffalo is going to try and run. Look, the lions are coming quickly. They know this is the opportunity when it goes away from water. They want it to go from water. Here we go. They back onto it again. There we go. Look at that. They're onto the back of it. Now this is where the whole thing is going to happen. Now you'll find that the buffalo is going to be quite slippery after being in the mud and in the water. But look what the lions are going to try and do. They're going to try and get into a situation where they're going to try and keep it from the water itself. But it's going to go straight back in with the lions in tow. And look at how the lions stop and the buffalo goes in and splashing. What is this? जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाएंगे, He will free you. Amen. वो शिकार करेगा आपका, वो अटैक करेगा आपका। Amen. जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में फास्टिंग प्रेयर करते हैं, उपस्थिति में है, प्रभु की आराधना करते हैं, तब तक आप ठीक हैं। परंतु जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से जाते हैं, He is ready to free you. Amen. वो शिकार करने के लिए तैयार है. Amen. Hallelujah. Pray without ceasing, my dear friends. Amen. निरंतर प्रार्थना करते रहो. कुर्नेलियस को किसी ने नहीं सिखाया था कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, परंतु बाइबल बताती है कि कुर्नेलियस लगातार प्रार्थना करता रहा. Amen. लगातार प्रार्थना करता रहा. कुलुसियस चैप्टर 4 वर्स 2 में क्या लिखा है? कुलुसियस का 4 का 2 में क्या लिखा है? Somebody can read quickly. We don't have much time. कुलुसियस का 4 का 2 में क्या लिखा है? प्रार्थना में लगे रहो. Amen. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो. Amen. प्रार्थना में निरंतर लगे रहो मेरे प्रियो. हालेलुया. कुर्नेलियस को किसी ने नहीं सिखाया था प्रार्थना कंटिन्यू करना है, परंतु ही बस प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग. Amen. कुर्नेलियस प्रार्थना करता रहा मेरे प्रियो. मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करते रहना है. We need to pray all the time. When you pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल में लिखा है बड़ी बड़ी चीजें होती है. Amen. बड़ी बड़ी चीजें होती है और लोग पूछेंगे. Let's read book of Daniel, chapter 6 verse 20. Daniel की पुस्तक उसका 6 का 22 20 में क्या लिखा है? दानियल के पुस्तक उसका 6 का 20, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 20. जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे ना मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना से परमेश्वर से कनेक्ट होने वाले व्यक्ति होंगे, तब आपका शत्रु आपको पूछेगा, अरे मैंने तो तेरे ऊपर जाल फेंका था, अरे मैंने तेरे ऊपर अटैक किया था, तेरे परमेश्वर ने क्या तुझे बचा लिया है? Amen. Hallelujah. दानियल को राजा आकर पूछता है कि हे दानियल, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास. क्या बोल रहा है? हे जीवते परमेश्वर ने क्या तेरा परमेश्वर उसका तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तब दानियल राजा से कहा, हे राजा, युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की. हालेलुया. हालेलुया. जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तो शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देता है. जब आप प्रार्थना करते हैं तो शत्रु भी नर्वस हो जाता है मेरे प्रियो. हालेलुया. आपने अभी ये वीडियो देखा, जब जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे, बाइबल में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो. आमीन. प्रार्थना में लगे रहो. आपको मन करेगा इस दुनिया में जाएं, पर तो जैसे ही जाएंगे खड़े हैं आपको अटैक करने के लिए, खड़े हैं आपको खत्म करने के लिए. जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, तब तक आपको कोई छू नहीं सकता. Amen. कोई नहीं छू सकता. Amen. क्योंकि जब दानियल उस गड्ढे के अंदर है और जब शेर आसपास घूम रहे हैं, परंतु उस चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति है,
Amen. कोई उसे टच नहीं कर पा रहा है, कोई उसे छू नहीं पा रहा है। उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप अपने ऑफिस में हो, जब आप अपने घर में हो, जब आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज कहीं भी भेजते हो, तो आपको पता है आप क्या उनके ऊपर कवच लगाते हो? परमेश्वर की उपस्थिति। Amen. जब आप प्रेयर करके अपने बच्चों को भेजते हो, जब आप प्रेयर करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हो, तो परमेश्वर की उपस्थिति लेकर आपके बच्चे जाते हैं। और शैतान बाहर खड़ा है अटैक करने के लिए, परंतु उस उपस्थिति में ठुक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग खड़ा है, प्रभु उसके संग खड़ा है, प्रभु आपके बच्चों के संग खड़ा है, प्रभु आपके पति के संग खड़ा है, प्रभु आपके पत्नी के संग खड़ा है, प्रभु आपके फैमिली के संग खड़ा है। तुम्हें काम दिया गया है। पत्रस जब कुंडलियस से मिलता है, तो कुंडलियस से पत्रस बोलता है, मैं तो आपको जानता नहीं हूं। आमीन। हालेलुया। और उस समय कुंडलियस जैसे ही पत्रस को देखता है, उसके पैरों में गिर जाता है और पत्रस बोलता है, मैं भी आपके तरह इंसान हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। आमीन। सो सिंपल मैन। हालेलुया। जो मैं अगर थोड़ा सा पैसा हो जाने से लोग हवा में छूटने लगते हैं, हवा में। आमीन। थोड़ा सा अच्छा जीवन हो जाता है, हम सब भूल जाते हैं। परंतु इस कुंडलियस के पास सब कुछ था, एवरीथिंग ही वाज कैरिंग इन हिज लाइफ, बट उसके जीवन में बहुत पावरफुल चीज था, ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। आमीन। आमीन। वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। हालेलुया। शैतान बाहर खड़ा है मेरे प्रियो, आपको अटैक करने के लिए। शैतान इज रेडी टू यू नो खत्म करने के लिए आपके फैमिली को, आपके जीवन को। तो आज आपका रिस्पॉन्स कैसा है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सब छोड़ सकते हैं, हम अपने यीशु को नहीं छोड़ सकते, हम अपने प्रार्थना जीवन नहीं छोड़ सकते, हम सब छोड़ सकते हैं, परमेश्वर को दान देना नहीं छोड़ सकते। चाहे मेरे जीवन में एक उस विधवा औरत की तरह दो दमड़ी ही क्यों ना हो, अगर प्रभु ने दो दमड़ी ही दिया है तो वही दूंगा परमेश्वर। मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे पास विश्वास है और विश्वास में कार्य नहीं, तो हम मृतक है। हालेलुया। हालेलुया। माय फिफ्थ पॉइंट, Cornelius obeyed God immediately. Amen. Cornelius ने तुरंत मेरे प्रियो तुरंत रिस्पॉन्ड किया। Amen. आज हम बहुत जन यीशु को विश्वास करते हैं, परंतु हम डिले कर बात कर देते हैं। You know, I'm reading, you just follow. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। 10:4-8 में पढ़ रहा हूं। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा है। अब याफा में, अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को, जो पत्रस कहलाता है, बुलवा ले। आमीन। वो सिमोन चमड़े का धंधा करने वाला के यहां पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। आमीन। जब वो सरदूत जिससे उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलवाया। Verse 8 is very important. और उन्हें सब बातें बताकर क्या किया उसने? Amen. परमेश्वर ने यूं बोला और उसने यूं किया। Amen.
परमेश्वर ने बोला और उसने किया। आमीन। परमेश्वर ने बोला करने के लिए और वो तैयार हो गया करने के लिए। आमीन। हालेलुया। कुरनेलियस ओबेड गॉड इमीडिएटली माय डियर फ्रेंड्स। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं सोचा मैं एक सूबेदार हूं, मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, परिस्थिति कैसे होगा, किस तरह से लोग लेंगे, एक चमड़े का धंधा करने वाला, क्योंकि पत्रस का पहचान वही था, वो चमड़े का धंधा करता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके जीवन में परमेश्वर कितना था पता नहीं, कुरनेलियुस भी नहीं पहचान पा रहा था पत्रस कौन है, परंतु उसको एड्रेस किसी ने बताया, स्वर्ग के स्वर्गदूत ने कहा। आमीन। इसका मतलब स्वर्गदूत भी पत्रस का नाम जानते थे। आमीन। हालेलुया। आपका नाम भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और स्वर्गदूत आकर बताता है, देख एक व्यक्ति होगा चमड़ा का धंधा करने वाला। आमीन। उसको बुलवा ले, चमड़ा का धंधा करने वाले को बुला ले। अच्छा ठीक है। उसके बाद देख उसका घर समुद्र के बगल में है। आमीन। जब चमड़ा का धंधा नहीं चलता है तो मछली पकड़ने जाता था। आमीन। दो बिजनेस करता था। आमीन। दोनों बिजनेस फेल उसके जीवन में। अभी जो है वो बहुत पावरफुल है, उसको बुला ले, उसको जल्दी से बुला ले। परंतु बाइबल में क्या लिखा है, कुरनेलियुस सोचने नहीं लगा। कभी कभी हमारा ज्ञान, हमारा विजडम हमें खत्म कर देता है। आमीन। समटाइम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू wisdom. Knowledge plus understanding is equal to wisdom. Amen. ज्ञान, हमें ज्ञान कब आता है, हम कब समझते हैं, एक पेपर टाव रखते हो जब पुलिस पकड़ता है हमको जानता नॉलेज तो है पर तो समझदारी नहीं है। नॉलेज पहले आता है तब समझदारी आता है, और इन दोनों के संग, इन दोनों को मिलाकर तब हमारा बुद्धि खुलता है। तो ये बुद्धि कभी हमें ले बीतता है, ज्यादा ज्ञान भी गड़बड़ है। अभी प्रभु के तो ग्रहण करबो की हम तरह क्या होगा उसके बाद, व्हाट विल हैपन, क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम कुरनेलियुस। उसने परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मान ली मेरे प्रियो, क्योंकि भजन 119 का 59 और 60 में क्या लिखा है, समथिंग टू रीड क्विकली, पावरफुल वर्ड, आई लव दिस वर्स। 119 59 और 60, हालेलुया। मैंने तेरी आज्ञा को मानने से विलंब नहीं किया। आमीन। मैंने देर नहीं किया परंतु मैंने क्या किया, बहुत फुर्ती किया। आमीन। कुरनेलियुस वाज सो एक्साइटेड। आमीन। कुरनेलियुस तो यही खोज रहा था इतने सालों से। कुरनेलियुस इसीलिए रोज परमेश्वर को खोजता था, इसीलिए ही वाज सो राइटियस मैन, इसीलिए वो धर्मी बना मेरे प्रियो, इसीलिए वो रोज प्रार्थना करता था, इसीलिए वो दान देता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है इसीलिए जब उसको ये मौका मिला वो जल्दी से अपने सेवक को बुलाया, बोला जल्दी से बुलाओ। आमीन। जल्दी से बुलाओ क्योंकि आज मेरे उद्धार का दिन है, आज मेरे लिए अद्भुत दिन है, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया है। मेरे प्रियो कलीसिया चर्च में भी परमेश्वर कितनी बार आपसे बात करता है, इस मंडली में प्रचार के माध्यम से प्रभु बहुत बार बात करता है, परमेश्वर आपसे कितनी बार बात करता है, परंतु आप सोचते हैं एक बार हमें करबो, एक बार हमें करबो, किंतु बाहरे किए हमार बुद्धि, हमार ज्ञान हमारे स्टॉप कर दे। हमें बोले एखन नय, एक तो अपेक्षा करते हबे, एखन नय, एक तो अपेक्षा करते हबे, अभी नहीं तो बाद में करेंगे। मेरी बुद्धि, मेरा विचार तो मैंने किया था, परंतु मैं अपने विचारों में अब नहीं जाना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा में जाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, मैं विलंब नहीं
Amen. परमेश्वर को इंतजार मत कराओ, अगर परमेश्वर ने आपको कोई आशीष दी है आपको करना है. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Ecclesiastes सब उपदेश उसका 9 का 10 में क्या लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि है. आमेन. हालेलुया. जो काम तुझे मिला क्या करो, जल्दी से अपनी शक्ति भर करना. अगर नहीं तो याद रखना, अगर बहुत चिंता करने वाले हो, बहुत विचार करने वाले हो, तो वहां क्या क्या नहीं है नरक में, क्या नहीं है जहां तू जाने वाला है. मैं आपका एड्रेस भी बता रहा है, एक एड्रेस कुंडलियस को बोला समुद्र के बगल में है, और जो ज्यादा बुद्धि वाले लोग हैं, ज्यादा ज्ञान से बातचीत करते हैं, उनके लिए भी एक एड्रेस है. वो एड्रेस क्या है, जहां तू जाने वाला है ना काम है वहां आना. उन्हें कहा जा चुकी को ईश्वर सेवा कर रोज का दी झूठा है लोग झूठा है. कैसे झूठा है हम बताते हैं. अभी अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलेगा ठीक डॉक्टर दिखाने जाएगा, पर तू परमेश्वर का सेवा के लिए समय नहीं. आमें. वो बाबा वेस्ट बंगाल एक नंबर डॉक्टर, तुम्हारा अपॉइंटमेंट होएगा चे ठीक है, आधा घंटा पहले पहुंच गया वहां. आमें. बाइबल सेज माय डियर फ्रेंड्स, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है. मैं आपको नहीं बोल रहा, आपके बगल वाले को बोल रहा हूं. मैं आपके बगल वाले को बोल रहा हूं जो नरक जाने वाला है. ना काम है वहां, यार ना बहुत काम है वहां, काम नहीं वहां, भूख नहीं वहां, प्यास नहीं, स्वर्ग में भी नहीं नरक में भी नहीं. ऐसा है क्या? नहीं. कैसा है? लाजर का कहानी हमें याद दिलाता है कि वहां प्यास भी बहुत है पर पानी नहीं. आमेन. हालेलुया. जहां तू जाने वाला है आपने कौन बगल वाला, आपके बगल वाला, जहां तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति. आमेन. ना एक तो हमें भावते रहो कि कर আমি যদি এটা করি ঈশ্বরের জন্য, থাক একটু সাথে বলি একটু দু মাস দিন, এই 15 আগস্ট আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, এটা ঈশ্বর আমাকে ঈশ্বর জানে, সেটা আমি ঠিক ঈশ্বরের জন্য করবো. আর 15 আগস্টের বাদ দেখলাম হসপিটাল মে ভর্তি হয়ে গেল, तब देखना परमेश्वर ठीक तुम्हारे जीवन में काम करे. आमेन. क्योंकि तुम बहुत प्लानिंग करने वाले हो, तुम्हारा बाप है वो. आमेन. वो कौन है? उसके पास मास्टर प्लान होता है. आमेन. उसके पास प्री प्लान होता है. आमेन. वो पहले योजना बनाता है, तुम्हारे आने से पहले योजना बनाकर बैठा है कि तुम एक दिन यहाँ के बैठोगे. आमेन. तुम्हारा बुद्धि उसके सामने क्या काम कर सकता, हमारा औकात नहीं उसके सामने सोचने का, हमारा हैसियत नहीं उसके सामने सोचने का, हमारे पास ऐसी कोई ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर ने कहा उसके बाद हम अपने दिमाग को लगाते हैं. आमेन. हमारे पास इतनी ज्ञान नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि जब हम परमेश्वर ने कुछ कहा है और उसके सोच विचार करके फैमिली मीटिंग कर रहे हैं, अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, अपने पति से पूछ रहे हैं, अपने बच्चे से पूछ रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग ऑल दोस नॉनसेंस थिंग्स. ये सब बेकार की चीजें अगर हम ऐसा करते हैं, ईश्वर हमें बोलेछे तुम्ही की बोलछो. अरे ईश्वर तुम्हें बोलेछे तुम्ही की बोलछो, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर आस्किंग.
ঈশ্বর যখন তোমাকে বলেছে তার মানে বলেছে ये हो जाएगा वो हो जाएगा मुझे पता है परंतु एक चीज मैं जानता हूँ ना काम है ना युक्ति है ना ज्ञान और ना बाइबल में लिखा है बुद्धिमान जो ज्ञानवान है एक दिन लज्जित होंगे बाइबल में परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ज्ञानवान लज्जित मेरे प्रियो आज परमेश्वर हमसे कहता है अद्भुत वचन आइए हम वापस प्रेरितों में जाए हम वापस प्रेरितों में आए चैप्टर 10 वर्स 44 से 48 में पढ़ रहा हूं आप उसको ध्यान दें पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर क्या हुआ उतर आया और कितने लोग के ऊपर नींद का आत्मा उतर आया भी अभी कोई नहीं सो रहा मेरा ऐसा नजर चला जाता है एक बार सबके ऊपर और मुझे पता चल जाता है कि कौन यहाँ है कौन यहाँ नहीं है अभी सब इधर है उस समय जब लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा क्यों क्योंकि लोग सुन रहे थे सिर्फ आमीन हालेलुया शैतान आपको सब समय भटकाएगा वो सुनने नहीं देगा परमेश्वर का वचन आपको शैतान को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है आप गाना सुनो स्तुति सुन सकते हो आप जितना भी स्तुति सुनो वो आपको छेड़छाड़ नहीं करेगा जैसे ही वचन सुनेगा क्योंकि उसका कपड़ा खोलते हैं हम समझ में आ रहा है उसको हम नेकेट करते हैं कि बताते हैं कि इसका सच्चाई क्या है वो बताने नहीं देता है और वो इसीलिए आपको सुनने नहीं देता है आपको देखना कॉल आता रहेगा फोन में आपको देखना व्हाट्सएप मैसेज आता रहेगा और आप चेक करते रहोगे बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं आपको पता नहीं है परमेश्वर अद्भुत रीति से जब मैं यहाँ प्रचार करता हूँ उसकी उपस्थिति रहती है वो बताता है आमीन आपको नहीं बोला आपके बगल वाला चला रहा है यस बहुत जन बाइबल खोलते खोलते हैं व्हाट्सएप भी खोलता है बाइबल खोल रहा है ऐसे लेके बैठा है दानियल पर वो मैसेज आया है पर मैसेज पढ़ा था कि आमीन आमीन या बैठे बैठे कितने जन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेइंग लिख दिया इससे हमको समझ में आ जाता है कि आप वचन सुन रहे थे ना व्हाट्सएप चला रहे थे आमीन आई एम वेरी स्मार्ट पास्टर आल्सो पर मैं बोलता नहीं मैं सब समझता पर बोलता नहीं हूं आमीन क्योंकि मुझे ज्यादा ये सब चीज में जाने की जरूरत नहीं पर मैं आपको वार्न करता हूं आमीन शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर का वचन सुने मैं सच बोल रहा हूं उसको सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है क्योंकि वचन ही परमेश्वर है आमीन ये लोग ना जान जाए अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलकर परमेश्वर की बड़ाई करते सुना है 47 इस पर पत्रस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नई पवित्र आत्मा पाया है और उसने आज्ञा दी उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए और उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे आमीन हालेलुया कॉर्नेलियस कॉर्नेलियस ओबेड गॉड इमीडिएटली आमीन
आमेन हालेलुया। उसी समय उसे बपतिस्मा के बारे में बताया गया, वो नहीं जानता था इस बात को, और उसने कहा हाँ ऐसा है, जल प्रबंध किया जाए। आमेन जल प्रबंध किया जाए। पत्रस कहता कैसा हो सकता है, कर्नेलियुस बोलता क्यों नहीं हो सकता है, आमेन क्यों नहीं हो सकता है, तुम मुझे जीवन देने आए हो और मैं इसी के लिए तो रोज रो रो रहा था, मैं यही सोचता रहता था कि कब कब मौका मिलेगा, और आज मौका मिला है, मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने मुझे कुछ आज्ञा दी है, मैं सोचने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे पास दो चित नहीं है, मैं डबल माइंडेड नहीं हूं। परमेश्वर के संग मेरे विचार मिलते हैं, परमेश्वर के संग मेरा दिल मिलता है, परमेश्वर के संग मेरा सोच मिलता है, क्योंकि मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है। जो मुझ में है, जो मेरे अंदर है, वो बहुत पावरफुल है। मेरे लिए बहुत कठिन था इन सारे पॉइंट को मैच करना, बहुत कठिन था मेरे लिए कि क्यों कुर्नेलियुस के जीवन में ये सारे चीजें हुए, ये बहुत कठिन था मेरे लिए। परंतु मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था, बहुत प्रेयर कर रहा था कि हाउ दिस फेलो न्यू ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजों को ये जानता कैसे था। जितने खतना किए विश्वास पत्रस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान देला है। हालेलुया। ये कैसे जाना है ये सारी चीजों को कुर्नेलियुस? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे जाना ये पवित्र आत्मा के द्वारा? कोई प्रचारक नहीं था, कोई भी नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा जब वो प्रार्थना करता था, उसे शिक्षा दिया करता था, पवित्र आत्मा उसके मन में ये डाला करता था और वो दान दिया करता था, वो सेवा करता था, वो प्रभु का कार्य कर रहा था। मेरे प्रियो आमेन हालेलुया हालेलुया। याद रखना, अगर हम ज्यादा सोच विचार करते हैं प्रभु के कार्य के लिए, तो हम एड्रेस आज मैंने आपको दे दिया है। आमेन। दो एड्रेस, एक समुद्र के बगल में चमड़ा का धंधा करने वाला व्यक्ति जिसका नाम सिमोन और पत्रस है, और एक एड्रेस आपके लिए नहीं, जो आपके बगल में है उनके लिए है, जो ज्यादा सोच विचार करते हैं उनके लिए अधोलोक में जगह है। आमेन। वहां काम नहीं है, वहां सोच विचार नहीं किया जाएगा, वहां प्लानिंग नहीं किया जाएगा, वहां कुछ भी नहीं कर सकते, वहां कुछ नहीं बोल सकते, मेरा काम है। आमेन। आज हमें सतर्क होना है। आज हमें बताया 5 things about Cornelius. Cornelius was devout man. वो बहुत धर्मी था। Cornelius fear God. वो परमेश्वर से डरता था। Cornelius was a generous towards God with his money. वो परमेश्वर को दान दिया करता था। उदार व्यक्ति था वो। Cornelius was a man of prayer. Continually he prayed. Amen. Cornelius obeyed God immediately. Yes. Amen. आज आपका रिस्पॉन्स कैसा है? आज आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं चिंता करता हूँ। काश मैं भी कुर्नेलियुस जैसा बन सकता। काश मैं भी कुर्नेलियुस जैसा बन सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में था ही नहीं, जिसके पास कोई लेवल नहीं था, तो आज उसने जिंदगी सिखा दिया कि परमेश्वर में कैसे होता है। ये है जिसका दान सिर्फ जमीन में नहीं रखा गया था और दान की थैली में नहीं रखा गया था, बाइबल में लिखा है जो हृदय से देते हैं प्रभु से एक्सेप्ट करता है, उसका हृदय परमेश्वर के चरणों के सामने रख दिया गया और वहां पर चर्चा की गई, बोला गया। यीशु अब्राहम को बोल रहा है, यीशु मूसा को बोल रहा है, यीशु यहोशू को बोल रहा है, यीशु उन सब लोगों को बोल रहा है कि ए मेरे प्रियो एलिया, एलिशा देख, देख कुर्नेलियुस बोलकर एक व्यक्ति
बेटी है जिसने मुझे हिला कर रख दिया है, जिसने मुझे हिला कर रख दिया है। ओ इसकी प्रार्थना मुझे अद्भुत लग रही है, ओ इसका डेडिकेशन मुझे अद्भुत लग रहा है। ओ ये दान दे रहा है, ये ऐसे दान दे रहा है कि मुझे आज उसके बारे में तुम सबको बताना है। और सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी नहीं, ऐसा जीवन जियो, ऐसा लाइफ जियो, ताकि सिर्फ धरती नहीं
आती है कि इसका जीवन और इसके बारे में स्वर्ग में चर्चा हो रही है। इसने अभी तक बपतिस्मा लिया नहीं है, परंतु स्वर्ग एंगेज हो गया इसके बारे में। अद्भुत करेक्टर, अद्भुत चरित्र है जिसके दान की चर्चा की जा रही है। और बाइबल में लिखा है, सुरदूत आकर कंफर्म कर रहे हैं कि कुर्नेलियुस तेरा दान स्वर्ग में एक्सेप्ट कर लिया है। प्रभु ने याद किया है तुझे। किसने तुझे याद किया है? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और इस जहां के मालिक ने स्वर्ग में तेरा नाम कर लिया है। उसने देर नहीं किया परमेश्वर के कार्य के लिए, उसने विलंब नहीं किया परमेश्वर के कार्य के लिए, उसने आलोचना में नहीं रखा, चर्चा में नहीं रखा, बट ही वॉज क्विक टू रिस्पॉन्ड। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर मुझसे कुछ भी बोल रहा है? और हमने क्या परमेश्वर को होल्ड में रखा है अभी भी? क्या हमने कहा है प्रभु रुक जा, थोड़ा रुक जा प्रभु, थोड़ा रुक जा प्रभु, मुझे मेरे हालातों को ठीक करने दे, मुझे अपने जीवन को ठीक करने दे, मुझे इस एरिया में ठीक होने दे। क्या हमने प्रभु को ऐसा कहा है? या हमारा जीवन क्या ऐसे कहीं पर रुका हुआ है? तो आज हमें कुर्नेलियुस से सीखने की जरूरत है। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है।
क्या हम वेट कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को वेट करवा रहे हैं अपने जीवन में? बाइबल में लिखा है कुर्नेलियुस धर्मी था, बाइबल में लिखा है कुर्नेलियुस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर वो दान देने वाला व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है कुर्नेलियुस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल बताती है कुर्नेलियुस इमीडिएटली उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यस लॉर्ड, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? व्हाई यू आर डिस्कसिंग? आप इतना इतना डिस्कस क्यों कर रहे हो परमेश्वर के कार्य को लेकर? आप इतना बातचीत क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमने देखा एक जगह स्वर्ग इंगेज हो गया एक व्यक्ति के कारण। वही कुर्नेलियुस जो कभी भी सिनेगॉग में नहीं बैठा, कभी भी मंडली में नहीं बैठा, आप तो रोज बैठते हो चर्च में, तो सोचो परमेश्वर कितना व्यस्त होना चाहता है आपके लिए। सरदूत कितना व्यस्त होना चाहता है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए। सरदूत आपके साथ खड़ा होना चाहता है। यही समय है हमारा निर्णय अंदर बहुत सारी गलतियां दिखेगी, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां दिखेंगी। This man is teaching lot of things. ये व्यक्ति हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रहा है। यही समय अपने जीवन को यीशु को देने का, यही समय है अपने जीवन को यीशु को देने।
আজকে প্রভু তুমি আমাদের শেখালে প্রভু, আগে আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে প্রভু। আজকে প্রভু অনেক প্রভু আমরা রিচুয়ালস এর দিকে দৌড়াচ্ছি প্রভু, আজকে অনেক প্রভু আমরা কর্তব্য পালনের দিকে দৌড়াচ্ছি প্রভু, যে চার্চে আসতে হবে প্রভু, বাক্য পড়তে হবে প্রভু, প্রার্থনা করতে হবে প্রভু, এগুলো এখন আমাদের প্রভু দায় হয়ে গেছে প্রভু, এখন আমাদের কর্তব্য হয়ে গেছে প্রভু। না প্রভু, আগে আমাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হবে প্রভু, সবার প্রথমে প্রভু হৃদয় থেকে প্রভু প্রথমে প্রভু তোমাকে ভালোবাসতে হবে প্রভু, আগে প্রভু প্রথমে হৃদয় প্রভু তোমাকে প্রথম স্থান দিতে হবে প্রভু, তবে আমি বিশ্বাস করি প্রভু আমি তোমাতে থাকতে পারবো এবং তুমি আমাতে থাকতে পারবে প্রভু। দয়া করো প্রভু, অনুগ্রহ করো প্রভু, আজকে যার যার কানে প্রভু এই জীবিত বাক্য গেছে প্রভু, আমি বিশ্বাস করি প্রভু তাদের জীবনকে প্রভু তুমি পরিবর্তন করেছো প্রভু, তুমি দয়া করছো প্রভু, তুমি অনুগ্রহ করেছো প্রভু, কারণ প্রভু তুমি আমাদের ভালো ঈশ্বর প্রভু, তুমি আমাদের মহান ঈশ্বর প্রভু। তুমি কখনো প্রভু শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবো না প্রভু, তুমি আমাদের স্বার্থের কথা ভাবো প্রভু, তুমি আমাদের ভালো চিন্তা করো প্রভু, এবং সেই জন্য প্রভু আমরা তোমাকে ভালোবাসি প্রভু। আজকে প্রভু তোমার মহান নামের কাছে আসি প্রভু, আজকে প্রভু আমাদের জীবনে কিছু থাকুক না থাকুক প্রভু, আমাদের জীবনে খাবার থাকুক না থাকুক প্রভু, আমাদের জীবনে কোনো দামি জামা কাপড় থাকুক না থাকুক প্রভু, আমাদের জীবনে যেন ঈশ্বর তোমার ভয় থাকতে পারে প্রভু, সবথেকে বেশি প্রয়োজন প্রভু আমাদের জীবনে ঈশ্বর প্রভু তোমার ভয় থাকুক প্রভু, কারণ প্রভু তোমার বাক্য বলে প্রভু ঈশ্বর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ, আমাদের জীবনে প্রভু যখন ভয় থাকবে প্রভু তোমার, তখন প্রভু আমাদের জীবনে প্রভু তোমার জ্ঞান থাকবে প্রভু, আমাদের জীবনে যখন প্রভু তোমার জ্ঞান থাকবে প্রভু আমাদের জীবনে সমস্ত কিছু থাকবে প্রভু। প্রভু ধন্যবাদ প্রভু আজকে সমস্ত বাক্যের জন্য প্রভু, সমস্ত শিক্ষার জন্য প্রভু। আমরা একজন অবিশ্বাসী জীবন থেকে দেখলাম প্রভু যে হয়তো প্রভু তোমার মনোনীত বংশ থেকে আসেনি প্রভু, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রভু তার মধ্যে তুমি এত বিশ্বাস দেখিয়েছো প্রভু। আমরাও প্রভু সেই বংশ থেকে আসিনি প্রভু, কিন্তু প্রভু আমাদেরকে প্রভু তুমি সেই বংশে সামিল করেছো প্রভু, যে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু, কারণ যে কেউ বিশ্বাস করে প্রভু তুমি তাকে সন্তান হওয়ার অধিকার দিয়েছো প্রভু। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি এবং আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে আমরা তোমার সন্তান যিশু প্রভু। আজকে তোমার সম্মুখে এসেছি প্রভু, আজকে যারা যারা প্রভু তোমার সামনে নত করেছে নিজেকে, যারা যারা নিজেদেরকে ভাঙতে চাইছে প্রভু, আজকে প্রভু তাদেরকে একবার তুমি ক্ষমা করো প্রভু, এবং তাদের দিকে আরেকবার তুমি নিজের মুখকে ফেরাও প্রভু, এবং প্রভু বলো তুমি আমার সন্তান, আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রভু। দয়া করো প্রভু আজকে যারা যারা এই মণ্ডলীতে এসেছে প্রভু, প্রত্যেককে তুমি অনেক অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, তোমার দয়া তোমার আশীর্বাদ এনাদের জীবনে প্রত্যেকের জীবনে তুমি রাখো প্রভু। যে আমি বিশ্বাস করি প্রভু আমরা হয়তো খালি হাতে এসেছিলাম, কিন্তু অনেক কিছু নিয়ে আজকে আমরা ফেরত যাবো প্রভু। দয়া করো অনুগ্রহ করো প্রভু, প্রভু আমি প্রার্থনা করি বিশেষ করে প্রভু যারা নিজের ভাণ্ডার থেকে প্রভু তোমাকে দান বা দশমাংশ দিয়েছে প্রভু, তাদের ভাণ্ডারে প্রভু অনেক গুণ আশীর্বাদ করো প্রভু, কারণ আমরা বাক্যে দেখেছি প্রভু হয়তো আমরা ভাণ্ডারে দিচ্ছি প্রভু, এই থলেতে দিচ্ছি প্রভু, কিন্তু গ্রহণ স্বর্গ রাজ্যে হচ্ছে প্রভু। প্রভু ধন্যবাদ প্রভু এই প্রমিসের জন্য প্রভু, এই আশ্বাসের জন্য প্রভু যে স্বর্গ রাজ্যে আমাদের আশীর্বাদ সঞ্চিত আছে প্রভু। যে প্রভু আশীর্বাদ করো প্রভু আমাদের মণ্ডলীকে প্রভু, যাতে এই মণ্ডলী প্রভু অনেকের জন্য প্রভু আলোর উৎস হতে পারে প্রভু, যে অনেকের অন্ধকার জীবনে আশার আলোকে জাগাতে পারে প্রভু। যে কারণ যিশু তুমি বলেছো আমি জগতের জ্যোতি, যে কেউ জ্যোতিতে থাকে সে অন্ধকারে কখনো থাকবে না প্রভু। আমরা যেন প্রত্যেকের কাছে এই আলোকে নিয়ে যেতে পারি প্রভু, যাতে প্রভু তোমার নামের মহিমা হতে পারে প্রভু। যে প্রভু আমি বিশেষ করে প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের বালক পিতার জন্য প্রভু, যে প্রভু তাকে তুমি অনেক অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, তার জীবনে প্রভু অনেক অনেক প্রাচুর্য দাও প্রভু, আত্মিক শারীরিক যে কোনো দিক থেকে প্রভু তুমি তাকে অনেক আশীর্বাদ করো প্রভু, তার পরিবারকে তোমার চরণে রাখি প্রভু, তুমি তাদেরকে একত্র করে নিয়ে চলো প্রভু, এগিয়ে নিয়ে চলো তোমার রাজ্যে প্রভু। যে প্রভু আজকে বিশেষ করে প্রার্থনা করি যখন প্রভু তোমার রাজ্যের সন্তানেরা প্রভু নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছে প্রভু তোমার তোমাকে নিজের জীবনকে সমর্পণ করার জন্য প্রভু, আজকে প্রভু তাদের জীবনকে প্রভু তুমি পরিবর্তনের স্থানে দাঁড় করাও প্রভু।
আমি বিশ্বাস করি প্রভু তাদের জীবনে প্রভু তুমি আগামী দিনে অনেক অদ্ভুত কার্য করতে চলেছো প্রভু, সেই জন্য প্রভু তুমি তাদেরকে মনোনীত করেছো প্রভু, তুমি এগিয়ে নিয়ে চলো প্রভু, কোনো কিছু যেন তাদেরকে কমজোর করতে না পারে প্রভু, তোমার দয়ার হাতে প্রভু তাদেরকে রাখি প্রভু, আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেকটা সেবাকে প্রভু তোমার হাতে রাখি প্রভু, সানডে স্কুল, ইউথ সার্ভিস, লেডিস মিটিং, আমাদের মেন ফেলোশিপ, আমাদের রিভাইভাল প্রেয়ার্স, এভরিথিং অফ গড প্রভু আমি তোমার চরণে রাখি প্রভু, আমাদের জীবনে প্রভু তুমি জাগৃতি দাও প্রভু, যে আমাদের জীবনে প্রভু রিভাইভাল আনো, আমাদের পরিবারে, আমাদের কার্যক্ষেত্রে, আমাদের ফিনান্সিয়াল স্থানে প্রভু প্রত্যেকটা স্থানে প্রভু তুমি আমাদের রিভাইভাল আনো প্রভু, যাতে প্রভু তোমার নামের মহিমা গুণগান আমরা সবসময় করতে পারি প্রভু। প্রভু আমি বিশেষ করে প্রার্থনা করি আমাদের 15th August প্রোগ্রামের জন্য, যেটা আর দুদিন পরেই হতে চলেছে প্রভু, প্রভু একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স দাও আমাদেরকে প্রভু, যাতে প্রভু তোমার নামের মহিমা আমরা সুন্দর করে বুঝতে পারি প্রভু, যে কিভাবে আমরা তোমার ফেলোশিপে তোমার সহভাগিতায় আরো এগিয়ে যেতে পারি এবং ঈশ্বর তোমাকে আরো জানতে পারি গভীরভাবে প্রভু, আমাদের মধ্যে একটা বার্ডেন তৈরি করো, আর দুদিন রয়েছে প্রভু, এর মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা অগ্নিকে প্রভু তুমি জ্বালাতে সাহায্য করো প্রভু, যাতে প্রভু তোমার নামে মহিমা করতে পারি প্রভু। ধন্যবাদ ঈশ্বর আরেকটিবার প্রভু তোমার জীবিত বাক্যের জন্য যা আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছে প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু। আজকে প্রভু যে যা কিছু প্রার্থনা নিয়ে এসেছে প্রভু তুমি তাদের প্রার্থনা প্রভু শোনো প্রভু, এই বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর এবং সামর্থ্য নামে চাই, আমেন। পরমেশ্বর কা প্রেম, পবিত্র আত্মা কি সহভাগিতা अब से लेकर सर्वदा तक जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वास को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे, हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। God bless you, प्रभु आशीष दे।